सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार हर पल छोटी बड़ी जानकारी के साथ। रेवशा सीतापुर, मैं हूं प्रेम वाजपेयी। आपको बता दें कि सभी जानते हैं कि इस समय भी बेमौसम में घाघरा की लहरें इस समय खुशीरामपुरवा पर अपना कहर बरपा रही हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर, और इसके पूर्व में कई बार हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा भी चुके हैं कि इस समय बेमौसम में बड़ी बड़ी करारे देकर ज़मीनें फट रही हैं और टुकड़ों के रूप में नदी घाघरा की नदी में लहरों में समाहित होती नज़र आ रही हैं। जबकि काफ़ी पानी निचले घटकर अपने दायरे में बह रहा है, लेकिन कटान काफ़ी इस समय बेमौसम में तेज है और इस समय अपने निशाने पर खुशीरामपुरवा को लिए हुए है, जहाँ पर करीब 20 घर पर बड़ा कटान का खतरा मंडरा रहा है। वहीं पर दो घर घाघरा की नदी में समाहित भी हो चुके हैं। वो घर आपको बता दें कि प्यारेलाल राजपूत का है, जो अपने मकान को कटान की लहरों को भाप कर पहले से तोड़ लिया था, जो कि ईंटें आज और सरिया उनके काम आ जाएंगी और उच्च स्थान पर पलायन कर गए थे। प्यारेलाल का मकान पूरी तरीके से नदी की लहरों में खुशीरामपुरवा के हैं प्यारेलाल जो समा चुका है। और वहीं पर हरिश्चंद्र अपने मकान, पक्के मकान को तोड़ रहे हैं और वहीं परवेश का घर कटान के मुहाने पर है और लगभग प्रवेश का भी धीरे धीरे जमींदोज होता जा रहा है, लेकिन प्यारेलाल का पूरी तरीके से मकान घाघरा की लहरों में समाहित हो चुका है और हरिश्चंद्र अपने मकान को तोड़ रहे हैं। और अन्य भी करीब 8 घर ऐसे थे जो कटान की तलवार उन पर लटक रही थी, जिसमें से प्यारेलाल का मकान पूरी तरीके से घाघरा की नदियों में समाहित हो चुका है और हरिश्चंद्र और प्रवेश और सुंदर आदि लोग अपने मकानों को तोड़ रहे हैं और आधी जमीन कटकर समाहित भी हो चुकी है। पूरा मकान अभी नहीं, लेकिन एक मकान कट चुका है। आपको दिखाएंगे कुछ लहरों के माध्यम से कि यह तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी तरीके से अपनी उसमें लिए हुए है इस समय घाघरा की नदी। ये खुशीरामपुरवा गांव की तस्वीरें हैं। जब तक मैं सुनती नहीं का पानी आज खूब बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ रहा है? हाँ। अच्छा, कितने शाम से कि सुबह से? अभी बढ़ा है, बाहर से जलस्तर बढ़ा है। क्या नाम है आपका? मनोज। कहाँ घर है? पास में। कटान किस कदर से होता है? पहले बड़ी बड़ी दरारें होती हैं, आप देख रहे हैं हमारी तस्वीर के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से काफ़ी दूर तक इस प्रकार की अपना घेरा बनाती है, ज़मीन फटती है, उसके बावजूद अचानक हाहाकारी रूप में करारें गिरती हैं। आप देख सकते हैं इस कदर से इस समय बेमौसम में कटान हो रहा है। और ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ जो ये खुशीरामपुरवा गाँव की हैं, आप देख सकते हैं किस कदर से दरारें पड़ी हुई हैं और कुछ ही पलों में ये दरारें एक घाघरा की लहरों में समाहित हो जाएंगी।